नगर निगम अंबिकापुर की स्वच्छता व्यवस्था चाक चौबंद करने और भीड़ वाले स्थलों में लगातार बढ़ रही कचड़े की समस्या को दूर करने और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सरगुजा राज परिवार की बहू त्रिशाला सिंह देवाज निगम के जनप्रतिनिधियों, आमजनों, स्वच्छता दीदियों सहित निगम की सफाई कर्मियों के साथ शहर के विभिन्न चौक चौराहों एवं बाजारों में सड़क व दुकानों के सामने से खुद ही कचरा उठाकर डस्टबिन में डालती हुई देखी गई, लोगों को जागरूक करती नजर आई। वर्तमान में स्वच्छता सर्वेक्षण की कार्य भी होना है, ऐसे में शहर के कई हिस्सों में दुकान के सामने एवं बाजारों में काफ़ी कचड़े कोनों में एकत्रित देखे जा रहे हैं, जिस कारण निगम के सफाई कर्मी भी काफ़ी परेशान थे, जिसकी जानकारी उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव को दी। उन्होंने निगम के महापौर एवं सफाई की व्यवस्था देख रहे लोगों को निर्देशित किया था कि स्वच्छता रैली निकालकर लोगों को जागरूक करें। निगम के स्वच्छता का कार्य देख रहे लोगों ने बताया कि चूंकि निगम स्वच्छता में लगातार अच्छे रैंकिंग में है तो लोग यह मानकर चल रहे हैं निगम साफ सफाई रखने के लिए कचड़ा उठाएगा ही, बस इसी मानसिकता के कारण कचड़ों को सड़क पर छोड़ दे रहे हैं, जिससे काफ़ी परेशानी हो रही है। निगम के महापौर डॉक्टर अजय त्रिकी ने योजना बनाकर लोगों को जागरूक करने स्वच्छता रैली का आयोजन किया, जिसमें सरगुजा राज परिवार की बहू त्रिशाला सिंह देव को आमंत्रित किया गया और साथ में जिला पंचायत सदस्य व रेड क्रॉस सोसाइटी के सभापति आदित्येश्वर शरण सिंह देव, औषधि एवं पादप बोर्ड विकास अध्यक्ष बाल कृष्ण पाठक, स्वयं महापौर डॉक्टर अजय त्रिकी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता, सीतापुर ब्लॉक उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह, जनपद सदस्य स्नेहा रानी, निगम के MIC सदस्य भी इसमें उपस्थित होकर घर घर जा, दुकान दुकान जा, लोगों को समझाइश देते नजर आए। को एक जिम्मेदार नागरिक की तरह रहना चाहिए, ये जिस तरह घर हमारे हैं वैसे ये शहर भी हमारा है, और इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं, इतनी गंदगी मुझे इस बार दिखी यहाँ पे, तो तब पता चला, तो ये पता चला कि नगर पालिका वाले तो अपना काम कर रहे हैं, बट जो हम लोग हैं, हम लोग जो रहते हैं यहाँ पे नागरिक, वो कचरे को फेंक रहे हैं, डस्टबिन का कचरा नीचे ज़मीनों पे डाल रहे हैं। तो इसलिए हम लोग निकले थे उनको थोड़ी सी जागरूकता देने कि आप लोग भी एक ज़िम्मेदार नागरिक बनिए और कचरों को डस्टबिन में डालिए, गंदगी मत फैलाइए। मुझे लगता है अगर हम सब मिलके ये करेंगे, साफ़ सफाई अच्छे से रखेंगे, तो फिर क्यों नहीं शहर अच्छा रहेगा, और ये हमारे लिए अच्छा है। मतलब हम सबका अंबिकापुर है, ये हम सबका सरगुजा है, तो हम सबको मिलके आगे आना चाहिए और इसको साफ़ सफाई में ध्यान देना चाहिए। बस यही मेरी पहल थी सबसे, और मैं यही चाहती हूँ कि सब लोग मिलके एकदम आगे आए और साफ़ सफाई रखें अपने शहर में। इस दौरान शहर के गुरु नानक चौक से शुरू हुई यह स्वच्छता रैली स्कूल रोड होते हुए कंपनी बाजार, कंपनी बाजार से DC रोड होते हुए गुदरी चौक एवं गुदरी बाजार एवं निगम कॉम्प्लेक्स होते हुए महामाया चौक पर समाप्त हुई। इस दौरान त्रिशाला सिंह देव और आदित्येश्वर शरण सिंह देव स्वयं दुकानदार एवं सब्जी बिक्री करने वाले से चर्चा करते हुए देखे गए एवं उन्हें साफ सफाई हेतु जागरूक करते हुए स्वयं एकत्रित कचड़े को उठाकर उनके डस्टबिन एवं कचड़ा उठाने वाली गाड़ी में डालते हुए भी देखे गए। उन्होंने संदेश दिया कि यह शहर, यह रोड, यह जगह हमारा है, तो इसे साफ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है, हम सब की है। हम निगम के सफाई अमले के भरोसे कचड़े को सड़क पर कोने में फैलाएं तो यह गलत है। हम अपने ही शहर को, अपने घर के आसपास को गंदा कर रहे हैं। कुछ दिनों से बात आ रहा था शहर में कि जो एक सफाई का लेवल रहता था कुछ टाइम से थोड़ा सा कम हो गया है, कोविड के बाद थोड़ा सा चीज़ों का अलग अलग कचरा दिखने लगा था, तो उसी को लेके जागरूकता के लिए तौर पे हम लोग सब निकले थे, सबसे बात करते हुए कि किस तरह से क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं लोगों को भी और सफाई कर्मियों को भी, और किस तरह उनका तालमेल बिठा के जो सफाई का एक लेवल अंबिकापुर में मेंटेन रहा है उसको मेंटेन कर सकें। गुदरी बाज़ार में तो सफाई का व्यवस्था थोड़ा अच्छा था, सब्जी का थोड़ा बहुत इकट्ठा होने का उन लोग का कहना था कि हम लोग इकट्ठा कर देते हैं तो कई बार उठ नहीं पाता, तो उसको लेके भी निगम ने अपनी तरफ से एक्शन लेने का वो किया है, और कई जगह जो लोग अवैध तरीके से इधर उधर फेंक रहे थे कचरा, उन लोग के साथ बात करके हमने समझाने की कोशिश की है कि एक ही जगह इकट्ठा हो जाए या अपने डस्टबिन में रखेंगे तो उसको उठाने में भी निगम को सहूलियत होगी। शहर आज भी अच्छा काम कर रहा है। एक जो थोड़ा गंदगी बढ़ने का कारण दिखा वो मलबा बहुत है शहर में, आज के दिन में कंस्ट्रक्शन शहर में काफ़ी चल रहा है तो उसके कारण मलबा और धूल थोड़ा बढ़ गया है, उसके लिए भी निगम योजना बना रहा है और हम लोग को पूरा भरोसा है कि अच्छे से अच्छे काम करके शहर की रैंकिंग को मेंटेन रखेगा। हम लोग का कोशिश रहेगा कि
बीच बीच में जागरूकता कैंपेन करते रहे और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सोच के आगे उनका सुझाव निकालते रहे। इस दौरान गंदी नालियों को साफ करने एवं नालियों को ढकने हेतु भी निगम के महापौर से त्रिशाला सिंह देव ने आग्रह किया। वहीं जो काफी पुराने कचड़े के स्पॉट है उन्हें एक बार साफ कराकर अगले बार मोहल्ले वालों को ही साफ रखने की जिम्मेदारी की बात कही। इस दौरान जगह जगह कचड़ों को उठाते एवं स्वच्छता का संदेश देते हुए सभी देखे गए। जैसे कि इस कोरोना काल के बहुत कठिन समय से निकल के अब हम लोग फिर मुख्य धारा से शुरू हो रहे हैं और इसी संदेश को आज की हम लोग पूरे देश में स्वच्छता में नंबर वन है और हमें कचरा बाहर नहीं फेंकना है। डोर टू डोर कलेक्शन के हमारे यहाँ दीदियाँ आती हैं। आज हमारे यहाँ आदि बाबा और त्रिशाली में भी दोनों ने हम लोग के साथ में पूरे निगम की टीम के साथ में उन्होंने एक जागरूकता अभियान का शुरुआत किया है और अब हम वार्डों में हर वार्डों में भी इसे आगे तक स्वच्छता अभियान के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे और निश्चित तौर पे सबसे हम लोगों ने निवेदन किया है और एक एक अच्छा मैसेज शहर के लिए जाएगा। हमें तो ये देखना है अपने शहर के लिए कि जहाँ पर हमारे शहर में एक भी प्लास्टिक रोड पर नहीं दिखता है वो स्थिति हमें इस कोरोना महामारी के बाद में पुनः बहाल कर। कमियां मैं कभी भी ऐसे कमियां तो नहीं बोलूँगा, हमें बस एक अफोर्ड करने की ज़रूरत है कि हम कचरे को बाहर ना करें और अपने दीदियां जो कलेक्शन के लिए आती हैं उन्हें ही दें। इस दौरान स्वच्छता दीदी भी साथ घूम रही थी। उन्होंने बताया कि कंपनी बाजार में कई दुकानदार महीने का सफाई हेतु निगम द्वारा निर्धारित शुल्क नहीं दे रहे हैं। तत्काल त्रिशाला सिंह देव ने उन दुकानदारों से बात किया, शुल्क दिलवाया और साथ ही हर महीने शुल्क देने हेतु आग्रह भी किया।